इसराइल में दो दुश्मनों ने के खिलाफ जो है जंगी मोर्चा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को वेस्ट बैंक में गोलीबारी हुई, दो इजरायली महिलाओं की मौत हो गई। इससे पहले इजरायल ने फिलिस्तीन और लेबनान दोनों को करारा जवाब दिया। गाजा स्ट्रिप पर यानी गाजा पट्टी पर लेबनान में रात भर एयर स्ट्राइक की गई। अलक्सा मस्जिद वाले इजरायली ऑपरेशन से जो चिंगारी सुलगी उसकी आग गाजा पट्टी और लेबनान में भी दिखाई दी। अलक्सा मस्जिद में इजरायली फोर्स के ऑपरेशन के जवाब में जैसे ही लेबनान का रॉकेट लॉन्च हुआ, इसके फौरन बाद इजरायल का ऑपरेशन द स्ट्रॉन्ग हैंड शुरू हो गया। हमास के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की गई और उसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। रात में चिंगारी उठ रही थी और सुबह सब कुछ खंडहर बन गया। जहां एयर स्ट्राइक की गई वहां सिर्फ बर्बादी का मंजर था। कारें कबाड़ बन चुकी थी, बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई। जो कुछ बचा था लोग उसे सहेजते हुए नजर आए। इजरायल के डिफेंस फोर्स ने एयर स्ट्राइक में दो सुरंगों और दो हथियार बनाने की फैक्ट्रियों को तबाह करने का दावा किया है। इजरायल के इस ऑपरेशन को खुद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ग्रीन सिग्नल दिया था। हालांकि गाजा की तरफ से भी इजरायल पर रॉकेट दागे गए। सोशल मीडिया पर स्प्राइटर नाम से ट्विटर हैंडल से रॉकेट अटैक के दावे वाले वीडियो फ्लोट हुए। एयर स्ट्राइक के बाद गाजा से उग्रवादियों ने भी इजरायल पर रॉकेट दागना शुरू कर दिए। इसके बाद दक्षिणी इजरायल में एयर रेड सायरन गूंजने लगे। इजरायली सेना की तरफ से कहा गया है कि ये साल 2006 के बाद सबसे बड़ा रॉकेट हमला है। टेंपल माउंट की यथास्थिति बदलने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम शांति की बात कर रहे हैं और इसके साथ उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। जहाँ तक एग्रेशन की बात है तो हम दुश्मनों पर वार करेंगे और वो किसी भी आक्रामक कार्रवाई का अंजाम भुगतेंगे। नेतन्याहू के बयान का मतलब था कि इजरायल का ऑपरेशन द स्ट्रॉन्ग हैंड नाम का यह ऑपरेशन सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं था, इसके टारगेट पर साउथ लेबनान भी था, क्योंकि इजरायल के मुताबिक हमले की शुरुआत लेबनान की तरफ से हुई थी। बैक टू बैक नॉर्दर्न इजरायल में करीब 3 दर्जन रॉकेट दागे गए थे। इसके जवाब में इजरायली डिफेंस फोर्स ने उस साइट को ही बर्बाद कर दिया जहां से रॉकेट्स दागे गए थे। एयर स्ट्राइक के बाद लेबनान में भी बर्बादी के निशान नजर आए। जो गोलीबारी की गई उसकी वजह से कई जगह नुकसान हुआ। हालांकि कहा जा रहा है कि इसराइल के हमलों में कुछ रिहायशी इलाके भी जद में आ गए। रिफ्यूजी कैंप पर भी हमले की बात सामने आई है। हालांकि इन सब के बीच एक बार फिर अलक्सा मस्जिद में बवाल शुरू हो गया। इसराइल के पुलिस फोर्स की तरफ से कार्रवाई की गई और कई लोगों को मस्जिद से हटा दिया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।